प्याज के दाम, फसल और अपनी कई मांगों को लेकर महाराष्ट्र में किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नासिक के डिंडोरी से करीब 10,000 किसान पैदल चलकर मुंबई के आजाद मैदान में प्रदर्शन करने जा रहे हैं। सोमवार से ही किसान अपनी मांगों को लेकर पैदल मार्च पर निकले हुए हैं। नासिक से लेकर आजाद मैदान की दूरी लगभग 203 किलोमीटर की है और ऐसे में किसान रोज 23 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। अगर पैदल मार्च के इस नजारे को ड्रोन के जरिए देखा जाए तो ऐसा लगता है कि मानो सड़क पर कोई ड्रैगन चल रहा हो। यहाँ किसान पैदल मार्च करते हुए अपनी मांगों को लेकर सरकार को जागरूक करने की कोशिश भी करते रहते हैं और ये सभी किसान जहाँ भी रुकते हैं वही अपना खाना बनाकर खाते पीते हैं और वही से ये सभी किसान आगे की रणनीति पर काम करते हैं। अभी ये सभी किसान आजाद मैदान से करीबन 100 किलोमीटर दूर है और 20 मार्च को मुंबई पहुंचकर किसानों के हक के लिए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। अखिल भारतीय किसान सभा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में निकाले जा रहे मार्च में किसानों के साथ लेफ्ट पार्टी के कई दिग्गज नेता भी शामिल है। खबरों की माने तो अखिल भारतीय किसान सभा के महाराष्ट्रीय इकाई के महासचिव अजित नवाले ने कहा, प्याज के दाम जब भी गिरे किसानों को सरकार से सिर्फ आश्वासन मिला, न्याय नहीं। हम दूध उत्पादकों के मुद्दे उठाते रहे हैं लेकिन सरकार केवल आश्वासन दे रही है। किसान न्याय के लिए सरकार पर दबाव बनाने के मकसद से पैदल मार्च निकाल रहे हैं। आपको बता दें कि ये किसान आदिवासियों की जमीन पर हक, प्याज पर MSP और कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में किसानों का यह आंदोलन कोई पहली बार का नहीं है। नासिक में इस तरह का ये तीसरा आंदोलन है। 2018-2019 में भी किसान पैदल मार्च निकाल चुके हैं। दोनों ही बार सरकार ने मांगे पूरी करने का आश्वासन देकर आंदोलन रुकवा दिया था। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को मंत्रालय में बातचीत के लिए किसानों को बुलाया लेकिन इसे दरकिनार कर किसान पैदल मार्च के लिए चल गए। आपको ये भी बताते चले कि देश के तमाम खुदरा बाजारों में प्याज 15 से 25 रुपए प्रति किलो तक बिक रही है लेकिन एशिया के सबसे बड़े प्याज बाजार नासिक में किसानों को इसे 2 से 4 रुपए प्रति किलो में बेचना पड़ रहा है। अब इसी के खिलाफ सभी किसान आंदोलन करने पर उतर आए हैं। अब देखना होगा कि महाराष्ट्र की शिंदे सरकार किसानों की इन तमाम मांगों को कब सुनती है और कब किसानों की मांगे पूरी की जाती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।